एक बार फिर सलमान खान और करीना कपूर एक साथ बड़े पर्दे पर दिखने वाले हैं। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो सलमान अपनी अगली होम प्रोडक्शन फिल्म में करीना को कास्ट करना चाहते हैं। आपको बता दें, करीना ने इस फिल्म के लिए लुक टेस्ट भी दे दिया है। वैसे आपको याद दिला दें, सलमान और करीना की ये इजी ब्रीजी जोड़ी हमने इससे पहले बॉडीगार्ड, बजरंगी भाईजान और क्योंकि इट्स फेट जैसी बॉक्स ऑफिस हिट्स में देखने को मिली है, और अब एक बार फिर इन दोनों को एक साथ बड़े पर्दे पर देखना काफी दिलचस्प होगा, शायद इस बार भी कोई नए अधूरे या मुश्किल प्रेम कहानी के साथ। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें अपने सुझाव जरूर बताएं और कमेंट करना ना भूलें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाय के साथ। आए दिन बॉलीवुड के गलियारों से उड़ते उड़ते क्रिश 4 के बारे में कोई ना कोई खबर आती ही रहती है, लेकिन अब खुद इस फिल्म के मेकर राकेश रोशन ने इस फिल्म की अपडेट फैंस के साथ शेयर की है। जी हाँ, हाल ही में एक लीडिंग डेली के साथ इंटरव्यू के दौरान इस बारे में बात करते हुए राकेश जी ने बताया कि इन दिनों वो इस सुपर हीरो फिल्म के 4th इंस्टॉलमेंट की स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं। क्रिश 4 टेक्नोलॉजी के मामले में एक साईफाई ब्रेक थ्रू होगा। बस एक बार इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग खत्म हो जाए, फिर वो बेस्ट स्टंट डायरेक्टर्स और VFX टीम को लेकर एक वर्ल्ड क्लास फिल्म बनाएंगे। वैसे काबिल में ऋतिक के ब्रेथटेकिंग एक्टिंग के बाद हर कोई उन्हें जल्द ही किसी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट में देखने की चाह रखता है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें अपने सुझाव जरूर बताएं और कमेंट करना ना भूलें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ।